एक पुरानी कहावत है कि दूसरों के लिए खाई खोदने वाला खुद भी उस खाई में गिरता है, और आज ये कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। पाकिस्तान की पुलिस अपराधियों के एक कुख्यात गिरोह के सामने कुछ इस तरह घुटने टेक चुकी है कि अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले एक उस गैंग की, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने अब सेना की मदद मांगी है, और इस गिरोह का नाम है छोटू गैंग। और अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राजनपुर इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन जर्ब ए आहान के लिए सेना ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाने की मंजूरी दी है। चलिए आपको भी रूबरू कराते हैं पाकिस्तान की इस छोटू गैंग से। पाकिस्तान में एक गैंग की दहशत, छोटू गैंग के नाम से कांपने लगी है पाक पुलिस। साफ पुलिस कर्मियों की जान ले चुकी है छोटू गैंग, अब सेना और छोटू गैंग का आमना सामना। पाकिस्तानी पंजाब में सेना और पुलिस के बड़े अफसरों की नाक में वहां के छोटू गैंग ने दम किया हुआ है। छोटू गैंग की वारदातों की बात करें तो ये 7 पुलिसकर्मियों को मार चुका है और 24 को बंधक बनाए हुए हैं। गैंग के ठिकानों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इस गैंग का ठिकाना है बाढ़ से बना एक टापू। इस टापू के बारे में आपको बताने के लिए चलिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बात सन 2010 की है। उस साल सिंध में आई बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। इसी बाढ़ के कारण सिंध में एक टापू निकल आया, जिसके बाद इस टापू पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों को पुलिस डाकू कहती थी। धीरे धीरे यहां छोटू गैंग का दबदबा हो गया। छोटू गैंग का सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू है। पाकिस्तान में 24 पुलिस वालों को अगवा करने वाले छोटू गैंग के खिलाफ सेना ने बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। छोटू गैंग ने पिछले 2 हफ्ते में 7 पुलिस वालों को मार डाला है और 24 का अपहरण कर लिया है। आपको बता दें कि छोटू गैंग को हथियार डालने के लिए सोमवार दोपहर तक की मोहलत दी गई थी, जिसके पूरा होने के बाद अब सेना के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिंध नदी में कच्चे के इलाके में 10 किलोमीटर चौड़े टापू पर छोटू गैंग का कब्जा है। वहां ऑपरेशन शुरू करने के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। छोटू गैंग के ठिकानों को हेलीकॉप्टर की गोलीबारी का भी निशाना बनाया गया है। पता चला है कि कच्चा जमाल के इलाके में पर्चे गिराए गए हैं, जिनमें छोटू गैंग के सरगना
और सदस्यों से कहा गया है कि वो अगवा किए गए पुलिस वालों को फौरन रिहा कर दे और हथियार डाल दे। दरअसल छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत तकरीबन 2 सप्ताह पहले हुई थी। पुलिस के नाकाम रहने पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई थी। पाकिस्तानी पंजाब में फौज जिस छोटू गैंग से जूझ रही है उस पर हत्याओं और फिरौती वसूलने के आरोप हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी छोटू गैंग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।